हेलो दोस्तों वेलकम टू माय चैनल इस वीडियो में हम करने वाले हैं टाइम वेरिएंट एंड टाइम इनवेरिएंट सिस्टम देखिए टाइम इनवेरिएंट सिस्टम क्या होता है अगर हम इनपुट में डिले करते हैं या शिफ्ट करते हैं अगर कर, उसके अकॉर्डिंग करस्पोंडिंग आउटपुट में भी डिले आता तो ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं टाइम इन सिस्टम अगर ऐसा नहीं होता तो ऐसे सिस्टम को हम क्या कहते हैं टाइम वेरियंट सिस्टम देखिए मैं एग्जाम्पल क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूँ इसको ज़्यादा समझ आएगा तो क्वेश्चन करना शुरू करते हैं क्वेश्चन के थ्रू ज़्यादा समझ आएगा ये डेफिनेशन थी हमें बताना कि इन ये जो सिस्टम है टाइम वेरिएंट है या टाइम इन वेरियंट होगा ठीक है तो वाई टी कस्टू टी एक्स टी दो ही स्टेप करने पहले पहले स्टेप में करेंगे हम इनपुट में चेंज देन दूसरे स्टेप में क्या करेंगे टी को टी माइनस टी नोट से रिप्लेस कर देंगे अगर दोनों स्टेप की वैल्यू इक्वल रहती है तो हम कहेंगे उसको टाइम इन अगर नहीं इक्वल रहती है तो उसको कहेंगे हम टाइम वेरियंट सिस्टम देखिए स्टेप वन में क्या करना मैं स्टेप लिख देता हूं स्टेप वन में क्या करना शिफ्ट इनपुट बाय नोट इनपुट को क्या करना टी नोट से शिफ्ट कर देना केवल इनपुट को तो वाई टीव टू केवल इनपुट यानी एक्स वाले को और किसी को नहीं एक्स टी माइनस टी नोट इक्वेशन नंबर वन स्टेप नंबर टू आप क्या करेंगे रिप्लेस टी बाय टी माइनस टी नोट अब जो इस इसी में करने है चेंज तो टी को टी माइनस टी नोट से रिप्लेस कर दो तो ये कितना हो जाएगा वाई टी माइनस टी नोट टी माइनस टी नोट एक्स टी माइनस टी नोट ये क्वेश्चन नंबर वन इक्वेशन नंबर वन और टू को कंपेयर करो क्या इक्वल नहीं है देखिये वाई टीव टू टी एक्स टी माइनस नोट यहां पे कितना आ रहा है टी टी माइनस नोट ठीक है तो यहां पे टी था यहाँ पे कितना हो गया टी माइनस टी नोट तो ये दोनों इक्वल नहीं है यानी वाई टी इज नॉट इक्वल टू वाई टी माइनस टी नोट ठीक है अगर इक्वल आते तो टाइम वेरिय टाइम इन वेरियंट अगर इक्वल नहीं आए तो क्या बोलेंगे हम टाइम वेरियंट सिस्टम ठीक है यानी टी वी मैं टी वी से लिख रहा हूँ टाइम वेरियंट को ठीक है नेक्स्ट अब मैं डायरेक्ट करूंगा पहले क्या करूंगा इनपुट में चेंज करूंगा इसी टाइप से करना टी स्क्वायर एक्स टी माइनस टी नोट ठीक है नेक्स्ट अगली बार मैं क्या करूंगा टी को टी माइनस टी नोट से रिप्लेस कर दूंगा यहां पर कितना हो जाएगा टी माइनस टी नोट का स्क्वायर एक्स ऑफ टी माइनस टी नोट इक्वेशन वन और टू को कंपेयर करो यहां पे टी स्क्वायर है या टी माइनस टी नोट का स्क्वायर है दोनों इक्वल नहीं है तो वाई टी इक्व टू नोट इक्व टू वाई माइनस टी नोट ठीक है तो सिस्टम क्या कौन सा होगा टाइम वेरिएंट इतना करना बस नेक्स्ट क्वेश्चन वाई टीक टू टी मोड ऑफ एक्स टी तो पहले इनपुट को चेंज करो शिफ्ट करो एक्स टी माइनस टी नोट ठीक है देन फिर क्या करेंगे टी माइनस टी नोट से रिप्ले टी को टी माइनस टी नोट से रिप्लेस कर दो तो टी माइनस टी नोट मोड ऑफ एक्स टी माइनस टी नॉट ठीक है इक्वेशन नंबर वन इक्वेशन नंबर टू ये मोड है वन और टू का कंपेरिजन करो क्या ये दोनों इक्वल आ रहे हैं नहीं है देख यहाँ पे टी है यहाँ पे टी माइनस टी नॉट है तो वाई टी इज नॉट इक्व टू अगेन वाई टी माइनस टी नोट तो सिस्टम क्या हो गया टाइम वेरियंट नेक्स्ट वाई टीव टू मोड ऑफ एक्स टी तो पहले इनपुट को चेंज करूँगा मैं एक्स टी माइनस टी नोट ठीक है नेक्स्ट क्या करूंगा टी को टी माइनस टी नोट से रिप्लेस कर दूंगा तो टी को टी माइनस टी नोट से रिप्लेस करो इक्वेशन वन और टू को क्या करना फिर कंपेयर करना यहां पे भी एक्स टी माइनस टी नोट है यहां पे एक्स टी माइनस टी नोट है यानी वाई टी इक्वस टू आ गया इस बार वाई टी माइनस टी नोट ऐसे सिस्टम को हम क्या कहते हैं टाइम इनवेरिएंट सिस्टम ठीक है नेक्स्ट y t टीकस टू एक्स टी माइनस फाइव सबसे पहले क्या करना इनपुट को uh, को शिफ्ट करना बाय टी नोट टी माइनस फाइव माइनस टी नोट ठीक है क्वेश्चन नंबर वन अगेन आप क्या करना टी को टी माइनस टी नोट से प्लेस कर दो बस एक्स टी की जगह टी नोट रख दिया मैंने माइनस फाइव इक्वेशन वन और टू को कंपेयर करो यहाँ पे भी टी है यहाँ पे भी टी है यहाँ पे टी नोट माइनस का टी नोट यहाँ पे माइनस का टी नोट यहाँ पे माइनस फाइव यहाँ पे माइनस फाइव तो वाई टीव टू क्या आ गया y t minus t not, ऐसे सिस्टम को क्या कहते हैं इक्वल आते हैं तो टाइम इन सिस्टम ठीक है नेक्स्ट वाई एन इक्व टू एक्स की पावर थ्री एन तो पहले क्या करूंगा मैं इनपुट को चेंज करूंगा शिफ्ट करूंगा एन माइनस एन नोट ठीक है एन लें तो एन माइनस एन नोट सेकेंड एन को किससे रिप्लेस कर लूँगा एन माइनस एन नोट से ठीक है ये डिस्क्रिट डिस्क्रीपा तो इसमें एन चलेगा तो एक्स की पावर थ्री एन माइनस एन नोट इक्वेशन वन और टू का कंपेयर करो क्या इक्वल है बिल्कुल इक्वल है देखिए तो वाई एन इक्व टू किसके कोल आ गया वाई एन माइनस एन नोट ठीक है तो ये कितना किस क्या आ गया हमारा टाइम इन वेरियंट सिस्टम ठीक है नेक्स्ट YN square. इसको आप वीडियो पोस्ट करके खुद करना उसके बाद सोलूशन देखना देखिए मैं कर रहा हूं अब सबसे पहले क्या करना इनपुट को शिफ्ट करना इनपुट को ठीक है जो एन होता है उसको एन माइनस एन नोट से शिफ्ट करते हैं तो जो एन जो भी यहाँ पर दे रखा है तो यहां पर एन स्क्वायर है तो शिफ्ट करेंगे किस से एन नोट से ठीक है ध्यान रहे एन की जगह एन माइनस एन नोट नहीं रखना होता है एक्स एन में जो एन होता है जहाँ एन की पावर कुछ भी हो एन के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई हो उसमें से केवल एन नोट उस माइनस कर देना ठीक है नेक्स्ट स्टेप में क्या करना सेकेंड स्टेप में एन को एन माइनस एन नोट से रिप्लेस करना उसमें कोई वो चेंज नहीं है ठीक है पहले स्टेप में ध्यान रहे किसको चेंज करना है पहले स्टेप में केवल जो जो भी टाइम चाहे वो एन है या टी है तो उसको बस माइनस टी नोट कर देना है, ठीक है चाहे टी स्क्वायर है टी क्यूब है टू टी है माइनस टी है कुछ भी है तो केवल माइनस एन नोट ठीक है तो वन और टू को कंपेयर करो यहाँ पे एन स्क्वायर माइनस एन नोट यहाँ पे एन माइनस एन एन माइनस एन नोट का स्क्वायर तो ये दोनों इक्वल नहीं है तो वाई एन इज नॉट इक्व टू वाई एन माइनस एन नोट तो ये सिस्टम कौन सा हो गया टाइम वेरिएंट सिस्टम ठीक है तो मैं कुछ वो दे रहा हूं होमवर्क इसमें देखिए आपको बताना वाई एन इक्व टू एक्स माइनस एन ये टाइम वेरिएंट होगा या इन ठीक है कमेंट करके बताना है और अगर, अगर ये वीडियो आपने ढंग से देखा है तो आप इसको बता पाएंगे आई होप ये कर लेंगे आप अगर कोई दिक्कत आता है उसके बाद भी तो मैं कमेंट में क्लियर कर दूंगा ठीक है इस वीडियो में इतना ही ओके थैंक यू मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में